जरूरत को प्रभु अपने समय से अपने भंडार से पूरा करे मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में हमारे लिए पर्याप्त है। बोलिए, प्रभु का आत्मा मेरे लिए काफी है। प्रभु का सामर्थ्य मेरे लिए काफी है। आज की सुबह इस बात को हम मनन में रखेंगे कि हमारे उपवास चल रहे हैं और उस उपवास के तहत परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमें क्या खिलाना चाहता है। मेरे पास मेरे ख्याल से सिर्फ 20 या 25 मिनट बाकी है। मैं जैसे हर बार कोशिश करता हूँ कि समय के पीछे मैं ना रहूँ लेकिन समय मेरे पीछे रहे, मैं वही आज कोशिश पूरी करने की कोशिश करूँगा कि मैं ये काम पूरा कर सकूँ। लेकिन उसी के साथ साथ हम प्रभु के वचन से आज मनन करेंगे। बोलिए, प्रभु की उपस्थिति में सामर्थ्य है। प्रभु की उपस्थिति में सामर्थ्य है। प्रभु हमारे जीवन में कुछ भी अगर हम करें, जो कुछ हमारे जीवन के ना हिंदी भाषा में कहते हैं पैतरे हो, हमारे जीवन की जो भी प्रयत्न हो, हमारे जीवन की जो भी क्रियाएं हो, हमारे जीवन के जो भी कह सकते हैं कदम हो, अगर उसमें प्रभु की आत्मा मौजूद नहीं है तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने उठ खड़ा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, हमारे जीवन का क्या मकसद है। ना प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रभु अगर तू मेरे साथ ना जाए तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, प्रभु का दास कहता है। वही हमारी प्रार्थना होने पाए, प्रभु जी अगर कल के दिन मैं अगर ऑफिस जाऊं और अगर तू मेरे साथ ना आए, मेरे जाने का क्या मतलब। बहुत बार प्रियो हम अपने जीवन में वेट कर रहे थे प्रमोशन के लिए, मेरे जीवन में वो प्रमोशन आ जाए, बढ़ोतरी आ जाए, मेरे जीवन में एक ऊंचा स्तर मेरे जीवन में आ जाए, मेरे जीवन में एक अगला मुकाम आ जाए। लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में नहीं आया क्योंकि प्रभु को पता था कि वहां अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रभु की उपस्थिति को खोएंगे। आज हम क्यों प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगते हैं, वो इसलिए नहीं कि हमारे पास कुछ जरूरतें हैं, ना ना ना, वो इसलिए है कि हम जरूरतों से ज्यादा प्रभु को चाहते हैं, हम जरूरतों से ज्यादा प्रभु की उपस्थिति से प्रेम करते हैं। मैं हमेशा आपसे इस बात को जो है कहता हूं, उदाहरण के तौर पे एक बेटा है और वो बेटा अपने पापा को अपने घर आते हुए वापस देखता है कि हाँ पापा आ रहे हैं, अरे वाह ओके पापा आ रहे हैं। है ना, मुझे याद है अपने बचपने में तो मैं मतलब आफत मचा देता था कि भाई पापा आ रहे हैं, आज कहाँ से आ रहे हैं, भगवान नगर से आ रहे हैं सर, लेकिन पापा आ रहे हैं। है ना, इतना प्रेम मुझे पापा से था और अभी भी है ना, खैर जो है। लेकिन अगर उस समय की अगर बात की जाए, पापा आ रहे हैं, अगर मैं 2 साल का हूँ तो अच्छी बात है, और जैसे पापा द्वार खोले, क्या है पापा के हाथ में, ओ पापा मेरे लिए कुछ लेके आए हैं, मेरे लिए पापा कुछ अच्छी बात लेके आए हैं, कुछ अच्छा गिफ्ट लेके आए हैं। लेकिन अगर मैं इस उम्र में पापा से बढ़कर अगर मैं पापा के हाथ को देखूं तो मेरे लिए शर्म की बात होगी, अरे पापा के हाथ से मुझे ज़्यादा प्यार है, पापा से ज़्यादा प्यार नहीं है क्या भाई। बहुत बार हम मसीह भी ऐसे होते हैं प्रियो, प्रभु दे प्रभु तू क्या चाहता है भूल जाते हैं बोलना, प्रभु तेरी क्या इच्छा है भूल जाते हैं बोलना, प्रभु तेरा हाथ, प्रभु तू उपाय कर, प्रभु तू ये कर, प्रभु तू। प्रियो एक याद रखिए, अगर वो आपके साथ है उतना काफी है प्रियो, अगर वो आपके साथ है जरूरत अपने आप पूरी हो जाएगी। उसकी उपस्थिति में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ठहरा रह सकता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसकी उपस्थिति में जब आप अपने आप को रखते हैं तो याद रखिएगा कि वो सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान है, सबसे ज्यादा सेफ्टी की जगह है उसकी उपस्थिति। हालेलुया, प्रभु का वचन कहते हैं कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये कहता है प्रभु का वचन, नहीं जगत के अंत तक मैं तेरे परिवार के साथ रहूंगा, मैं देख लूंगा, नहीं मैं तेरे साथ रहूंगा। ये व्यक्तिगत तौर से प्रभु मुझसे कहता है, व्यक्तिगत तौर से प्रभु आपसे कहता है। और इसलिए जब विरोधी आपके जीवन के विरोध में प्रबल हो तब डरिए मत। बहुत बार हम लोग फड़फड़ाना शुरू करते हैं, अरे ये क्या हो गया यार,
ऐसा कैसा हो सकता है ये, हैं? ऐसे कैसे उठ सकता है हमारे विरोध में, दिखाऊं उसको मैं? नहीं नहीं प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जगत के अंत तक परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, और उसने प्रभु का वचन कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। लेकिन अगर हम विश्वास ही नहीं कर रहे जी प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है, अगर मैं विश्वास ही नहीं कर रहा तो क्या प्रभु मेरे साथ रहेगा? क्योंकि मैं तो ये विश्वास कर रहा हूं मैं अपनी काबिलियत के आधार पर सब कुछ पूरा करूंगा, मैं अपने कहते हैं क्षमता के मुताबिक हर एक कार्य पूरा। प्रभु फिर प्रभु कहता है कि मेरी क्या जरूरत है इसको यार, छोड़ जाने दे परे। लेकिन वहीं पे अगर मैं कहूं कि प्रभु जी मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ्य सिद्ध होने पाए, प्रियो अगर मैं, हम सब किसी ना किसी अवस्था में, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा लेकिन मुझे कहने दीजिएगा, हम सब किसी ना किसी अवस्था में एक प्रकार से विकलांग हैं, अपाहिज हैं। आपके पास पैसा भी हो फिर भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे, आपके पास तजुर्बा भी हो ज्ञान भी हो फिर भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी निर्बलता में मैं इस प्रकार से कहूंगा, जब मैं अपाहिज हूं उस समय प्रभु मेरे अंदर एक नया पैर दे सकता है कि मैं आगे चल पाऊं, प्रभु मुझे नई सामर्थ्य दे सकता है कि मैं शतान के गढ़ को ढा पाऊं। हालेलुया। यस, सबसे बड़ी बात हमको जाननी है प्रियो कि हम प्रभु की उपस्थिति में सुरक्षित है। पिछले थर्सडे को मैंने एक बात अपने प्रियजनों से बांटी, कलीसिया के लोगों से बांटी, और वो बात ये थी, हम यहाँ होते हैं तो हमें लगता है कि यार समझ आ रहा है इनको, यार कभी कभार मैं पापा के पास वापस जाता हूँ, पापा से पूछता हूँ, अरे पापा पूछते हैं और क्या रे कैसा रहा, पापा ठीक रहा यार, लोग ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है यार पापा, मुझे समझ नहीं आती, इनको समझ भी आता है कि नहीं आता, अरे प्रभु काम करता है अब्राहम, तो वैसे परेशान मत हो, समझते हैं सब कुछ समझते हैं, है ना। बाद में जब हम बाहर जाते हैं और जब हम वहां पे प्रचार करते हैं और जब उछल के लोग प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं तब पता लगता है कि मैं अच्छा प्रचारक हूं। कलीसिया की जो मुर्गी है वो ना बोलो दाल बराबर। प्रियो ऐसे मत कीजिए, पूरी रात मैं सोया नहीं हूं, मैं सिर्फ प्रार्थना करता रहा हूं, प्रभु तेरे दास दासी जब तेरे भवन में आएंगे उनके हृदय को तृप्त कर। हालेलुया, आपका हृदय आज तृप्त होने वाला है क्योंकि प्रभु अपनी सामर्थ को आपको दर्शाने वाला है। इसलिए जो भी बात आपको अच्छी लगे मैं आपको रोकूंगा नहीं, अपने आप से आप हालेलुया बोलिएगा, अपने आप से आप प्रेज द लॉर्ड बोलिएगा, अपने आप से आप आमेन बोलिएगा। आइए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, बहुत चंद समय हमारे पास बचा हुआ है। उत्पत्ति की किताब उसके 28वें अध्याय का 15वां वचन, आज हम सिर्फ प्रभु की उपस्थिति पर गौर फरमाएंगे। क्या लिखा है वहां पे? और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा, प्रभु की उपस्थिति। एक बार फिर से पहले उस वचन के पहले भाग को पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे? और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। सबसे पहली बात, प्रभु की उपस्थिति में इस समय जब आप उपवास कर रहे हैं ना, बहुत लोग, मैंने एक व्यक्ति से बात करी, उन्होंने बोला, मैंने कहा ब्रदर कैसा चल रहा है उपवास, हां करवा रहे उपवास, पास्टर क्या बात कर रहे हो यार, हां चक्कर आ गया तो आप संभालने आओगे, हां गिर गया मैं तो कौन संभालने आएगा मुझे, मैं चुप रहा, क्या जवाब दूं भाई, छोड़ यार, जवाब तो आ रहा था अच्छा वाला कि मैं चुप रहा, मैंने कहा छोड़ यार कोई नहीं। प्रियो हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात हमें समझने की आवश्यकता है, जिस बात के लिए हमें कदम उठाने की आवश्यकता है उसके लिए हम कदम उठाएं। विश्वास का कदम अगर हमें बहुत बार उठाने की जरूरत पड़े, परिवार को साथ लेके प्रार्थना में बैठना, उपवास में अपने आप को लेके आना, खुद प्रार्थना में बैठना, परिवार के साथ परमेश्वर के कार्यों के लिए प्रण करना, लोग सोचते हैं इसी में समस्या आती है, लेकिन हम जानते हैं कि इनमें समस्या जरूर आती है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे बहन ने कहा कि मैं उपवास कर रही थी लेकिन मुझे लग रहा था कि आज का दिन मुझे कट करना पड़ेगा,
लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उपवास करने की के लिए हिम्मत ताकत और कुवत दी। प्रियो आपको खुद पता नहीं लगेगा कि आपकी कहां से परमेश्वर रहनुमाई कर रहा है, आपकी कहां से परमेश्वर सुरक्षा कर रहा है। यानी प्रभु का वचन ऐसे नहीं कहता कि वो तेरे निमित्त अपने दूतों को आदेश देगा। जब लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं तो मेरे अंदर एक सवाल खड़ा होता है। यह सवाल ऐसे इस प्रकार का होता है कि दूत बड़ा है अब कि विश्वासी बड़े हैं। प्रभु का वचन कहते हैं कि वो दूतों को विश्वासियों के लिए आदेश देगा। वाओ, स्वर्ग के दूतों को आपके लिए आदेश देगा कि आपकी मांसपेशियां बुलंद रहे, कि आपके हाथ के जो कहते हैं आपकी भुजाएं थमने ना पाए, लेकिन आप शिरोमणि के समान सीना तान कर खड़े रहे, कहते हुए कि यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरी सुरक्षा है। हालेलुया। अगली बात पर पढ़ेंगे, नहीं तो मैं यहीं पे थम जाऊंगा। पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय उसका 12वां वचन। पहली बात हमने पढ़ी कि उसकी उपस्थिति में सुरक्षा है। अब क्या लिखा है? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। प्रभु क्या वचन कहता है कि मैं तेरे लिए एक चिन्ह रखूंगा। कोई दूसरा वचन निकालिएगा प्लीज, इब्रानी की पत्री 13वें अध्याय का 5वां 6वां वचन। प्रभु का वचन कहते हैं कि मैं तेरे लिए चिन्ह बनाकर रखूंगा। उसकी उपस्थिति में प्रियो जब आप उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, आप चिन्ह चमत्कार और चंगाइयों के लिए तैयार हो जाइए। कोई जोर से बोले, चिन्ह चमत्कार आपका पीछा करेंगे। अब क्यों? क्योंकि यह जाति पहली बात बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। दूसरी बात, जब आपके साथ उस उपवास और प्रार्थना में पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर मौजूद है, अब आप याद रखिएगा कि तेरे पास ये चिन्ह होगा। बोलिए, मेरे जीवन में बड़े बड़े चिन्ह होंगे, मेरे जीवन में बड़े बड़े चिन्ह होंगे। प्रियो चमत्कार होते हैं और बहुत बार नहीं होते हैं। एक बड़ी मीटिंग में आप चले जाइए, मैं किसी मीटिंग को तुच्छ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक बड़ी मीटिंग में आप चले जाइए और उस बड़ी मीटिंग में जाके आप थोड़ा सा गौर फरमाइए। चंगाइयाँ नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन सबके साथ नहीं होती हैं। नाम लेके पुकारा जाता है, लेकिन कुछ कुछ को पुकारा जाता है। लेकिन जब मैं अपने आप को प्रभु के वचन के लिए निवेश करूं, मैं जब अपने आप को उपवास और प्रार्थना के लिए समर्पित करूं, प्रभु का वचन कहता है कि चिन्ह तू देखेगा। व्यक्तिगत तौर से प्रभु बात कर रहा है मुझसे, व्यक्तिगत तौर से प्रभु आपसे बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम सब उपवास करेंगे, हम में से कोई एक चिन्ह देखेगा। ना 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 जी ना। चमत्कार ठीक है, लेकिन चमत्कारों से बड़ा जो है चिन्ह है। हालेलुया, साइंस, चिन्ह। अब तुम्हारे लिए ये चिन्ह होगा। चिन्ह जो है वो अनूठे समय पे, अनोखे समय पर परमेश्वर के पास, परमेश्वर की ओर से लोगों के लिए आता है, एक नियुक्त समय के लिए। हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ चिन्ह ठहराए हुए हैं, लेकिन वो चिन्ह पता है क्या? ब्लॉक्ड है, लॉक्ड है, ताले में बंद है। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ, इन 40 दिन की उपवास प्रार्थना में जब हम यहोवा को पुकारेंगे, वो चिन्ह खुलना शुरू होंगे, वो चिन्ह हमारे पास आना शुरू होंगे। और तुम्हारा ये चिन्ह होगा कि तुम एक बड़ी नौकरी पाओगे, तुम्हारा ये चिन्ह होगा कि परमेश्वर तुमको एक बड़े हर प्रकार के कर्जे से उबारेगा, तुम्हारा ये चिन्ह होगा कि तुम्हारा व्यवसाय परमेश्वर आकाश की चोटियों तक उठाएगा, तुम्हारा ये चिन्ह होगा कि तुम परमेश्वर के दिल को पहचान पाओगे, तुम्हारा ये चिन्ह होगा कि परमेश्वर के प्रेम में आप आगे बढ़ पाओगे, तुम्हारा ये चिन्ह होगा कि आपका मुंह, आपका 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 मुंह, आपकी शक्ल परमेश्वर के नूर से भरी होगी। हालेलुया। चिन्ह परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह, एक चिन्ह। पढ़िएगा क्या लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 13वें अध्याय के 5वें 6वें वचन में। तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, तो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है,
करूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ इस बात के तहत, इन दोनों वचनों के तहत बांटना चाहता हूं, ये है, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको प्रोत्साहन मिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको प्रोत्साहन मिलता है। प्रियो, बहुत बार संसार के लोग जो हैं वो बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं, धूमधाम के साथ काम करना चाहते हैं। बहुत बार परिवार के लोग अपने परिवार के लिए बहुत उत्तम उत्तम कार्य करते हैं, आप सोचिए, लेकिन बहुत बार उनको तारीफ नहीं मिलती है, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। बहुत बार मेरे पास बहुत सी बहनें आती हैं, कहती हैं, पास्टर मैं सब कुछ कर रही हूँ परिवार के लिए, पास्टर मैं इनके लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन एक बार दो तारीफ के शब्द तक नहीं सुनने को मिलते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो कहता है कि मैं तुझे सामर्थ दूंगा कि उस सामर्थ में तू सिद्ध बने। और साथ ही साथ प्रभु का वचन जैसे सचिन ने पढ़ा, इसलिए हम निडर होके खड़े होंगे। कब? उसकी उपस्थिति जब हमारे साथ रहेगी। प्रियो, 40 दिन की उपवास प्रार्थना में प्रभु आपको डरपोकपन की आत्मा से नजात दे। हम सबको डर बहुत बड़ी गंदी बीमारी है। पहले हमारे अंदर डर था, यार ये चर्च छोड़ के चले जाए या वो चर्च छोड़ के चले जाए, हमारे अंदर बहुत पहले डर था। अब वो डर नहीं रहा, क्योंकि जिन जिन को हम सोचते थे कि ये चर्च छोड़ के जाने वाले, जो ये चर्च छोड़ के जाने वाले वो कभी नहीं गए, और जिनके विषय में सोचा कि ये चर्च छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, हमारा चर्च का बहुत विश्वास छोड़ के रहेंगे, प्रियो वही नाम आज जो है कलीसिया में नहीं है, बिल्कुल छोड़ के चले गए। जब उनके पास कुछ नहीं था, वी प्रेड फॉर देम, सच में उनके पास नौकरी नहीं थी, हमने उनके लिए दुआएं प्रार्थनाएं करी। उनमें से पायलट्स हैं, एयर होस्टेस हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन जैसे ही उनको आकाश की चोटी मिली वे चले गए। प्रभु का धन्यवाद हो, आज जहां पर भी हो वे प्रभु में आशीषित हो, हम उनके लिए कोई बैर की भावना नहीं रखते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो ये कि वो जो डर की भावना हमारे अंदर थी वो समाप्त हो गई। प्रभु ने कहा कि ये दिल्ली मैंने तेरे हाथ में करी है, किसको जाना है? प्रियो, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए किसी एक भी व्यक्ति को मैं जाने नहीं दूंगा, आपको वापस हाथ पकड़ के वापस लाऊंगा। हालेलुया। तो मुझसे पहले प्रभु आपको लेके आएगा। यस, प्रभु आपको निराश नहीं होने देगा। हम दिलेरी के साथ निडर होके कह सकते हैं कि यह वो हमारा बल है, यह वो हमारी सामर्थ है। तीसरी बात पर हम लोग गौर फरमाएंगे। वाओ, सिर्फ 5 मिनट बचे मेरे पास। यहोशु की पुस्तक उसके पहले अध्याय का 5वां वचन, मेरे ख्याल से बाकी समय बाकी वचन जो है अगली बार के लिए रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप एंजॉय कर रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में, आनंद ले रहे हैं। यस, यहोशु की पुस्तक पहले अध्याय का 5वां वचन, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ जी, कौन सा दुश्मन, कौन सी बीमारी ठहर सकती है? फिर जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें सुरक्षा मिलती है। दूसरी बात, प्रभु की उपस्थिति में हमें प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है। तीसरी बात, हमें प्रभु की उपस्थिति में ताकत मिलती है, बल मिलता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, टिक नहीं सकेगा। बहुत बार विश्वासियों के साथ जो मैं देखता हूँ ये कि हम लोग सबसे प्रेम कर पाते हैं, सबसे हम लोग आराम से प्रेम कर पाते हैं सिवाय अपने पड़ोसी से। पड़ोसी से प्रेम करना इज अ टास्क भाई। और एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने इस प्रकार से कहा कि पास्टर हमने अपनी पूरी कोशिश करी, हमने अपना पूरा भरसक प्रयत्न किया कि हम इनसे प्रेम से पेश आए, लेकिन ये व्यक्ति जो है जब बुजुर्ग होने की अवस्था में आने लगे, अलग गलत गंदी गंदी अभद्र शब्द हमको बोलते थे, बकते थे, गंदी गंदी गालियां हमें बोलते थे। एक बार बहुत गुस्सा आया, हम नीचता पे उतर आए, लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि प्रभु हमने तेरी आत्मा को अपने आप से दूर कर दिया।
हमें नहीं करना चाहिए था। शासन प्रभु की ओर से मिला, प्रभु ने थोड़े डंडे मारे, लेकिन फिर बाद में कलीसिया के परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में उन्होंने कहा कि पास्टर एक बार प्रचार कर रहे थे और उस प्रचार में आपने कहा कि युद्ध परमेश्वर का है, वो युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। हमने प्रार्थना करी, घर जाके हमने, हम सब लोगों ने हाथ में हाथ पकड़ के प्रार्थनाएं करी। प्रार्थना करने के तुरंत बाद वो व्यक्ति घर में आता है और कहता है कि देखो, आपने अब तक कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आप पे चिल्लाता रहा, मुझे माफ़ करो। मैं बहुत बड़ी गंदी बीमारी से ग्रस्त हूँ और बहुत जल्द मेरा प्राण ख़त्म होने वाला है। और जब उसने ऐसा बोला, उसने सॉरी बोली और सॉरी बोल के वापस गए, उसी रात को वो व्यक्ति मर गया। बाद में उनका बेटा जो है, अब वो उछलने लगा, पापा तुम पे गुस्सा होते थे, मैं तुम्हारे साथ ही गुस्सा करूंगा। वाजी वाह, क्या फैशन है। ओके, तो भाई अब ये दूसरी पीढ़ी को संभालो, फिर से प्रभु तू नियंत्रण ले। फिर परिवार फिर से प्रार्थना में बैठा, वो जो लड़का जिस जो फिर से ऐसे करने लगा वो हो गया अपाहिज। माँ ने बोला ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने आपके ऊपर चिल्लाया है और आपके ईश्वर ने हमें ताड़ना दी है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने टिक नहीं सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा, ऐसा मैं तेरे संग रहूंगा। कोई बीमारी आपके सामने टिक नहीं पाएगी अजीजों, कोई दुष्ट आपके सामने टिक नहीं पाएगा प्रियो, कोई बेरोजगारी आपके सामने टिक नहीं पाएगी, कोई डिप्रेशन आपके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे पहली बात परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे सुरक्षा मिलती है, प्रभु की उपस्थिति में मुझे उत्साह मिलता है, प्रभु की उपस्थिति में मुझे ताकत बल और शक्ति मिलती है। अपनी आंखों को प्रभु की उपस्थिति में बंद कर सकते हैं और हम प्रार्थना में जा सकते हैं, कहते हैं प्रभु जी तू मेरे जीवन का परमेश्वर है, प्रभु तू मेरे जीवन का परमेश्वर है और तू मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता रख सकता है। मैं तुझे पुकारूंगा, मैं तुझसे मांगूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में भी मौजूद है, आइए हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु से बोलें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक अद्भुत कार्य करेगा, प्रभु एक सामर्थ्य कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे बंधनों को परमेश्वर उध्वस्त कर डालने वाला परमेश्वर है। बोले प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए है, मुझे तेरी हुजूरी चाहिए है, मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे, मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज की सुबह अगर हम कुछ मांग रखे तो प्रियो वो प्रभु की उपस्थिति की मांग रखे। अपने हाथों को फैला के प्रभु से बोलना शुरू करें, प्रभु जी मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए है। लॉर्ड आई नीड योर प्रेजेंस, ओ लॉर्ड आई नीड योर प्रेजेंस ओवर माय लाइफ ओ मास्टर। प्रभु स्वामी हमें अपने जीवन पर तेरी उपस्थिति चाहिए है, तेरी हुजूरी से हम भर जाना चाहते हैं, तेरी उपस्थिति से हम भर जाना चाहते हैं। आज हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य करिए यीशु राजा। हालेलुया। हर प्रकार का डर प्रभु की उपस्थिति में दूर किया जाए, हर प्रकार का शक और संदेह प्रभु की उपस्थिति में दूर किया जाए, हर प्रकार की बीमारी आज प्रभु की उपस्थिति में दूर की जाए, हर प्रकार की हताशा और निराशा आज प्रभु की उपस्थिति में दूर की जाए। प्यारे प्रभु जी आज हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, विश्वास करते हुए कि आपके लहू में सामर्थ्य है, और हम धन्यवाद देते हैं कि जगत के अंत तक तू हमारे साथ रहेगा, इस बात का आश्वासन तूने हम सबको दिया है। हम प्रार्थना करते तेरे दास दासी जब अपने अपने घरों को वापस जाते हैं तू उनके साथ रहे, आने वाला सप्ताह उनके लिए चिन्हों से भरा हुआ सप्ताह ठहरने पाए, चमत्कारों से भरा हुआ सप्ताह ठहरने पाए, विजयों से भरा हुआ सप्ताह ठहरने पाए और तेरा नाम के जीवन में ऊंचा किया जाए। अपने दास दासियों के साथ तू रहे, पिता परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों को तू फिर से उपजा और तेरा नाम के जीवन में ऊंचा किया जाए। प्रभु तेरी उपस्थिति में उनको सुरक्षा मिलने पाए, उत्साह मिलने पाए और तेरी उपस्थिति के द्वारा वे बल प्राप्त करें। जबकि वो खाना नहीं खा रहे हैं, वो 40 दिन के उपवास प्रार्थना में हैं। हम सब लोग पिता हम तेरे बल को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्गीय बल हमारे ऊपर उतरने पाए। तेरे नाम को भी मान सम्मान देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं आमेन। अपने हाथ उठा के प्रभु के नाम का धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, कलवरी परिवार के साथ, आए हुए हर एक भाई बहन के साथ,
आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, हम सब कहेंगे आमीन। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं।